जैसे आपने बैलेट पेपर से राष्ट्रपति का चुनाव किया है, वैसे ही हमारे देश में जरूरत है कि हम अभी बैलेट पर ही वापस लौटें। इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने बनाई हुई हैं, इतने सारे कौन कौन से रैपिड एक्शन फोर्स बना के घूम रहे हैं, तो क्या वो अपने एक सुरक्षित चुनाव, 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव की जो पर्चियां होंगी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो आप देश की सीमाओं की क्या रक्षा कर पाएंगे? इस पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन जो स्टैंड अलोन डिवाइसेस होती हैं जैसे कि ईवीएम है, उसमें तकनीकी डेटा फीड किया जाता है, किस बटन को दबाने से कमल का फूल निकलेगा, किस बटन को दबाने से हाथी का निशान आएगा, किस बटन को दबाने से साइकिल निकलेगी, ये सब एक डेटा फीड करने वाला एक इंसान होता है जो मानव उसमें दर्ज करता है उस डेटा को। यहाँ के सबसे ताकतवर मुल्क जो हैं वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते, और क्यों नहीं आप सब मिलकर एक सामूहिक चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए कि अगर इस बार चुनाव होगा ईवीएम से तो हम उसमें शामिल ही नहीं होंगे, अकेले पार्टी को बना लीजिए, जिसको लड़ना है अगर हमको शामिल करना है तो ईवीएम को लेके आइए। और इस सावन के महीने में जब हमारे बहुत सारे साथी कावड़ ढोने के लिए निकले हैं, आप लोग यहाँ अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे हैं, उसके लिए आप सबको बधाई। वी द पीपल पैगाम और ओबीसी यूनाइटेड फोरम के ये कई सारे कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारे जो समाज के लोग हैं वो अपनी हकमारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और लगातार देश की राजधानी में संसद के बगल में इतने बड़े बड़े शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हकमारी आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर मसलों पर ये बात हो चुकी है। चूँकि एक कवि साहब ईवीएम पर बात कर रहे थे और मैं जब अभी वापस आ रहा था यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचने के लिए, तो हमारी जो एनडीए की उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद की द्रौपदी मुर्मू जी, उनके स्वागत के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, 12 अलग अलग राज्यों की झांकियाँ लगाई गई हैं, और उन्हीं को याद करते हुए जब मैं देखता हूँ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सांसद विधायक एक बैलेट पेपर से अपना वोट डालते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, और हमारा मसला है कि बैलेट पेपर पर ही आप चुनाव कराइए। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन लोगों को कि जैसे आपने बैलेट पेपर से राष्ट्रपति का चुनाव किया है, वैसे ही हमारे देश में ज़रूरत है कि हम अभी बैलेट पर ही वापस लौटें, पेपर पर्ची पर ही मुहर लगाकर हम अपना वोट डालें, क्योंकि ईवीएम में तो आप चोरी कर लेते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी के तमाम सबूत हैं और वो भरोसे के लायक नहीं है। कुछ तर्क दिए जाते हैं, कुछ लॉजिक दिए जाते हैं ईवीएम के द्वारा चुनाव कराने के और बैलेट पेपर पर वापस ना लौटने के। सबसे पहले तर्क दिया जाता है कि इससे समय की बचत होती है। वो लोग कहते हैं क्योंकि पूरे देश में बहुत बड़ी आबादी है, अलग अलग जगह चुनाव होते हैं तो इससे समय बचता है, लेकिन हमने सबने देखा कि किस तरह से जब बिहार में चुनाव हुए तो आधी रात 3-4 बजे तक ईवीएम वही मशीनें गिनती नहीं कर पाई, और उसमें भी बहुत ज़्यादा समय का कहें कि खर्च होता है, कई चरणों में आपको चुनाव कराने पड़ते हैं, कितना संसाधन उस पर लगाना पड़ता है, तो इसमें जो है कोई समय की बचत उस तरह से होती नहीं है। और हम सब जानते हैं भारतीयों के पास क्या समय की कमी है, आप 1 हफ्ते तक काउंटिंग कर लीजिए, हम तैयार हैं, आप करवा लीजिए बैलेट पेपर पर, हम आप गिनते रहिए, हमको क्या करना है, हम आपके जो लोग लगेंगे ड्यूटी पर वो उसकी गिनती करेंगे, हम अपना वोट डाल देंगे। तो समय की कोई बचत ईवीएम से नहीं होती है और इसका कोई फायदा नहीं है, तो उसका बैलेट पेपर पर वापस आना चाहिए। एक ही तर्क देते हैं कि सुरक्षा का एक बहुत ज़रूरी मसला आ जाता है, क्योंकि जब बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो ईवीएम के वो बैलेट पेपर का जो बॉक्स होता था उसको लूट लेते हैं, ईवीएम सुरक्षित है, उसकी लूट नहीं होती है उस तरह से। तो सवाल उठता है माननीय प्रधानमंत्री जी, इलेक्शन कमीशन और हमारे तमाम संस्थान, आप दुनिया में 2-3 नंबर की सबसे बड़ी सेना लेके घूम रहे हैं, क्या आप वहाँ पर बैलेट पेपर का जब चुनाव होगा तो क्या बूथ की आप रक्षा नहीं कर पाएंगे? ये इतने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस आपने बनाई हुई हैं, इतने सारे कौन कौन से रैपिड एक्शन फोर्स बना के घूम रहे हैं, तो क्या वो अपने एक सुरक्षित चुनाव, 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव की जो पर्चियां होंगी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे तो आप देश की सीमाओं की क्या रक्षा कर पाएंगे? इस पर भी सवाल खड़ा होता है। ये तर्क दिया जाता है कि जो ईवीएम है उससे कहें कि पूरे के पूरे तंत्र में बहुत मजबूती आती है, भरोसा आता है, बार बार ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से भी ये कहा गया कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती, छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि ईवीएम एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, वो इंटरनेट से कनेक्शन उसका नहीं है तो उसको हैक नहीं किया जा सकता।
आप सबको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ साल पहले एक पूरी की पूरी ओपन कहीं की एक प्रतियोगिता रखी थी कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग आए, जो भी एक्सपर्ट आना चाहते हैं वो आए और ईवीएम को हैक करके दिखाएं। सुनने में बहुत अच्छा लगा कि यार एकदम ओपन कर दिया, चैलेंज कर दिया कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए, लेकिन एक शर्त रख दी इलेक्शन कमीशन ने कि ईवीएम को हाथ नहीं लगाना है, ईवीएम को टच मत कीजिए, आप दूर से उसको हैक करके दिखाइए। यहां हमको तकनीकी शब्दों के उसके मायने उसको समझने की जरूरत है कि हैक वो चीजें होती हैं जो इंटरनेट या किसी ऐसी वर्चुअल कनेक्शन से जुड़ी होती हैं, उसको किसी दूसरी डिवाइस के मदद से हैक किया जा सकता है, लेकिन जो स्टैंड अलोन डिवाइसेज होती हैं जैसे कि ईवीएम है, उसमें तकनीकी डेटा फीड किया जाता है, किस बटन को दबाने से कमल का फूल निकलेगा, किस बटन को दबाने से हाथी का निशान आएगा, किस बटन को दबाने से साइकिल निकलेगी, ये सब एक डेटा फीड करने वाला एक इंसान होता है जो मानव उसमें दर्ज करता है उस डेटा को। तो उस जब वो डेटा दर्ज करता है तो बहुत इस बात की गुंजाइश है कि वो डेटा अपने मन मुताबिक भी उसमें दर्ज कर सकता है, और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने आए हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिससे ये साबित हुआ कि ईवीएम में पर आप बटन किसी का दबाइए, पर्ची किसी एक की निकल रही है, पर्ची किसी और की निकल रही है, ऐसे तमाम उदाहरण हमारे देश में सामने आए हैं। ये भरोसे के लायक नहीं है, और जब ईवीएम को आप इस तरह से कहें कि अपने मन मुताबिक उसको डेटा आंकड़े उसमें दर्ज कर देते हैं तो हम उसको तकनीकी भाषा में ईवीएम टेम्परिंग कहते हैं। आप ईवीएम हैकिंग बोले तो पकड़े जाएंगे, वो बोलेंगे कि हैक नहीं हो सकती क्योंकि इंटरनेट से नहीं जुड़ी, लेकिन टेम्परिंग यानी कि छेड़छाड़ अपने मन मुताबिक डेटा डालने का काम ईवीएम में हो सकता है, और ऐसे तमाम आंकड़े, ऐसे तमाम रिसर्च, ऐसी तमाम वीडियो एमपी में वो सबके सामने वीडियो आए थे कि किस तरह से वहां पर ईवीएम का कोई भी बटन जब दबा रहे थे तो पर्ची बीजेपी की निकल रही थी, तो वो भरोसे के लायक उस तरह से नहीं है, उस पर भी काम करना चाहिए, उस पर रोकथाम लगानी चाहिए। ईवीएम को लेकर इतना अगर कहें कि ये बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया है, ये कोई नया आइडिया है, तो सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क जो हैं वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं कराते। जिन मुल्कों में इस तकनीक की इजाद हुई, जिन मुल्कों में इसके जो माइक्रोचिप तैयार होते हैं, वो ईवीएम से इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, वहाँ ईवीएम से वोटिंग क्यों नहीं होती है, क्या वो आपसे ज़्यादा कहें कि पिछड़े हुए हैं, आपसे भी ज़्यादा पिछड़ापन वहाँ पर है और वो अपने पिछड़ेपन को ढोए जा रहे हैं बैलेट पेपर पर, और आप बहुत ज़्यादा विश्वगुरु बन गए, अंतरिक्ष में पहुँच गए हैं, ये सवाल भी खड़ा होता है कि इसका आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर एक इंसान, अगर मैं एक वोटर के नाते, एक नागरिक के नाते अपना वोट देता हूं तो मुझे अपने वोट पर भरोसा होना चाहिए कि जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को मैंने चुनने के लिए वोट डाला है, मेरा वोट चोरी नहीं होगा, मेरे वोट की चोरी नहीं होगी। लोकतंत्र में मुझे इसकी गारंटी चाहिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, और अगर मेरे वोट की चोरी हो सकती है, अगर उसमें मेरा डाउट है, तो इस देश की सरकार का, संस्थानों का, इलेक्शन कमीशन का, जुडिशरी का, मीडिया का, हर किसी का यह जिम्मेदारी बन जाती है कि मेरे उस आशंका को, उस डर को, उस चोरी के भय को खत्म करे। और अगर लोग कह रहे हैं कि आप ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर आ जाइए, तो आपको आ जाना चाहिए, क्योंकि तमाम पार्टियां, भारत में शायद ही कोई ऐसी पार्टी है जिसने ये नहीं बोला है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, इससे चुनाव नहीं होना चाहिए। खुद जो बीजेपी आज सत्ता में बैठी हुई है, सबसे पहले इन्हीं लोगों ने विरोध किया था, किताबें लिखी थी, सेमिनार किए थे, रैलियां की थी कि ईवीएम के ये चोरी के लिए लेके आए हैं और ये नहीं होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले यही लोग थे। और जो विपक्ष में आज पार्टियां जब वो सत्ता में थी तो वो ईवीएम को लेके आई थी, और आज जब हार जाते हैं तो ठीक है ईवीएम पर फोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ईवीएम में है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जब आप 5 साल जब चुनाव का वक्त नहीं होता है, क्या आप ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए कोई काम करते हैं? क्या आप एक ऐसे संगोष्ठियां, सेमिनार अपनी पार्टी लेवल पर लोगों के बीच में जाते हैं? और क्यों नहीं आप सब मिलकर एक सामूहिक चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए कि अगर इस बार चुनाव होगा ईवीएम से तो हम उसमें शामिल ही नहीं होंगे, अकेले पार्टी को बना लीजिए जिसको लड़ना है, अगर हमको शामिल करना है तो ईवीएम को लेकर आइए। ये सवाल भी उन पर उठता है कि वो कम से कम 5 साल इस पर काम करें, हारने पर ही ईवीएम को दोष ना दें। तो मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत जरूरी है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, और आप जैसे जो लोग हैं वो शानदार काम कर रहे हैं, संसद के बगल में हैं, वैसे तो उनको हर बात का पता होता है, यहाँ पर लोग बैठे हैं जो रिपोर्ट बना के वहाँ भेजेंगे कि यहाँ पर क्या आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपने मसलों पर यूं ही मुखर रहेंगे और भारत को और ज़्यादा समतामयी, न्यायप्रिय बनाने के लिए, जहाँ हम सब लोग बिना किसी भेदभाव के रह सके, उसमें अपनी भागीदारी ज़रूर करेंगे। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार।